हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम का संस्कृत का पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे कौन कौन से प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 का आंसर करना रहेगा। उसके बाद 6 सब्जेक्टिव है, जिसमें आपको 6 का 6 यानी कि सभी क्वेश्चंस का आंसर करना रहेगा। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला है ब्राह्मण मुख केन अच्छादित मस्ती, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पात्रेन। अगला है सयानंदमान नदियः कुत्र मिलन्ति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्रे। की जया प्राप्तोन्नति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सत्यम। अगला है अनुह अनियान कह, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई यानी कि आत्मा। अगला हम लोग देखेंगे तो उपनिषद कस्य सिद्धानतन प्रकटियंति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी आत्मा। अगला है उपनिषद रचनाकार कह, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी वेद व्यास। अगला है सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिरण्यम पात्र से। की जयना प्राप्तोन्नति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी असत्य। अगला है बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, तो पाटली ग्राम। अगला है कुटनीम काव्य रचनाकार कह, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दामोदर गुप्त। अगला है पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णम आस्ति, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्रस्य। अगला है नगरस्य पालिका देवी का आस्ति, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पटन देवी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है कौमुदी महोत्सव कदा अवसरे दृश्यति, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दुर्गा पूजा अवसरे। क महोत्सव महान समारोह आसित, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दुर्गा पूजा। अगला है पाटलिपुत्रम वर्तमान समय क नाम प्रसिद्ध मागतम, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना। अगला है एशिया महादेश दीर्घतम सेतु क, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गांधी सेतु। अगला है वीरेश्वर स्वभाव की दृश्य आसति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दानशील। अगला है मैथिली कवि क आसित तो विद्यापति है। अगला है आलस कथा पाठा कुत संकलित, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पुरुष परीक्षाता। अगला हम लोग देखेंगे तो नीतिकार आलस्य डैश मनेते, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रिपु। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपका अगला सवाल है अग्नि दुष्टवा के पालियता, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धूर्ता। अगला है इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंद्रा। अगला है चतवारा आलसा के बहिष्कृति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नियोगी पुरुष। अगला है आलस कथा पाठ कस्य दोषाना निवारण शिक्षा ददति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब यानी मानवस्य यानी ऑप्शन नंबर बी यानी मानवस्य। अगला है मिथिलाया मंत्री क, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वीरेश्वर। अगला है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पंडित क्षमाराव। अगला हम लोग देखेंगे तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दंडी। अगला है याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी को। अगला है शंकर चरितम इति जीवन चरित्र कवियत्री का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्षमाराव साच डैश वर्णा सिद्धति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी श्याम। अगला हम लोग देखेंगे तो गार्गी कस्य सव्यास शास्त्र कुशलता आस्ती, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनकस्य। अगला हम लोग देखेंगे तो याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिका, तो दार्शनिक। अगला है जयदेव क आसित, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाकवि। अगला है जयदेव पुत्र क्षिप्तवंत, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कूपे। अगला है देवकी नंदन क, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी केशव। अगला है महिमना किस विभक्ति का रूप है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंचमी का। अगला है विदुषाम का मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विदुष। अगला है अस्मद शब्द का रूप पंचमी बहुवचन में लिखें, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अस्मस्यम। अगला है अस्माभिः मूल शब्द लिखें, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अस्मद। अगला है तस्मात का मूल रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तत्।
अगला हम लोग देखेंगे साधु शब्द का रूप सप्तमी एक वचन क्या हो जाएगा, तो साधु। अगला गति ही में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा, इसको हमने सब छोड़ देते हैं, पठा जोर कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो पाठित्वा। अगला हम लोग देखेंगे तो अप उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपयश। अगला है अतिष्ठत में मूल धातु क्या है, तो अस्था। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये पेपर ओरिजिनल नहीं है।